नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर। जमीनी विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट की वारदात का मामला सामने आया है। मामला बाहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुबरा का है, जहां महिला के साथ बेरहम तरीके से मारपीट की वारदात की गई है। महिला की मां ने बताया कि 5 बेटों के बाद मैंने भगवान जगन्नाथ स्वामी से बेटी के लिए मन्नत मांगी थी, आज उसी बेटी के साथ मारपीट की घटना हो गई, जिससे वो बेहोशी की हालत में जिला चिकित्सालय सीधी में भर्ती है। आखिर पुलिस क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? बेटी बेहोशी की हालत में है, उसके परिजनों ने बेरहमी के साथ मारपीट किए जाने की थाने में रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने बताया कि मामूली धारा लगाकर पुलिस नमस्कार कर लेती है। जगजीत स्वामी जाना उनके मांगन मांगे गए रहना। कहाँ मांगन मांगन है? जगजीत स्वामी जगन्नाथ जी। हाँ बिटिया, हम जगन्नाथ जी आसो जय माले आसो के संबंध में जाए तब सम्मत मामार बिटिया पहला महीना पूछ में शुक्रवार का पैदा ली थी। अतना हम मांगन मांग के आना बिटिया बिटिया पाना हमारे पांडे कटवा रहे हैं बिटिया बिटिया पाना मांगन मांगन। मुख्यमंत्री कहा था कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या लागत था कि अब मुख्यमंत्री का सपना बहना माने हैं तो क्या साकार हो, सपना साकार हो रहा है? तो नहीं सर, जब सपना साकार न हो जब देवी देवता है का नहीं है। चलिए, महताई दर्द है, हमका दर्द हमारा प्राण काली है मांगो हमारा बिटिया जी जा। आपकी कौन है? बहन। क्या लगता है क्या वजह थी मारपीट की? मारपीट की वजह सर हम लोग यहाँ से गए वहाँ जो है तो हॉस्पिटल में गए थे, तो हॉस्पिटल में वो लोग जो है तो दो आदमी और गए थे वो उनके पक्ष वाले, तो वहाँ से बोले उसके माँ बाप वो तो घटना मालूम हो गया जी। अब आप क्या न्याय चाहते हैं? अब सर वही जो पुलिस अधीक्षक सर आए हैं तो उन्हीं से अगर न्याय दिलवा सकते हैं तो दिलवा सकते हैं सर, नहीं तो हम लोगों को कोई चाहिए। आपने शिकायत किया जी? ये बहन है जी, आज की हालत में बेहोशी आदमी है जी, क्या चाहते हैं कि निष्पक्ष न्याय मिल पाएगी? सर निष्पक्ष न्याय मिल जाए तो अधिक अच्छा है, अगर नहीं मिल पाएगी सर तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोगों को भी मानने के लिए वो लोग धमकी देते हैं बार बार, अगर उसका भाई कहीं मिल जाएगा तो हम लोग जान से मार देंगे। और जिस दिन इसको मारे हैं सर तो वहाँ से उनका बैडन से उनका लड़का एक बड़ा मामला है, जमीनी विवाद का मामला है ना, आपने आवेदन दिया है आपके जीजा ने जी, जमीनी विवाद का मामला है तो जीजा को ना मार के बहन को क्यों मारे? सर शायद उन्हीं में बदला चुका नहीं, और बोलते हैं कि उसको मार डालेंगे फिर इसके बाद वो मेरा भाई बचेगा तो उससे तो हम निपट लेंगे, और दो बच्चे हैं तो दो बच्चे को जो है तो वो तो ख़त्म कर देंगे, जब पेड़ ही ख़त्म कर देंगे तो डाल कैसे बचेंगे, तो बचेगी नहीं। आपके साथ? जी सर मेरे साथ ये मारपीट हुआ है मेरी बीवी के साथ में। आप कहाँ के हैं? हम कोबरा निवासी के हैं सर। किस थाना का अंतर्गत? बाहरी थाना अंतर्गत। क्या घटना हुई, किस वजह से मारपीट हुआ है? सर ये हमारे समझ में नहीं आ रहा किस घटना से मारपीट हुआ है, कैसे मारे हैं? आपने आवेदन दिया है कि रास्ता रोकने के लिए हमारे परिवार के लोगों ने ही मारपीट किया है, आपका आवेदन स्पष्ट किया है ना? जी जी जी। फिर बताइए क्या वजह है? वजह यही होगा रंजिश तो यही है, लेकिन बट ये सुबह सुबह ही घटना हुई है, सुबह सुबह मारे हैं। कब की घटना है? ये संडे की, यही संडे की है, 2 तारीख की बात है। किस थाना का मामला है? ये बाहरी थाना की है। गांव कौन सा है? पूरा गांव। कौन मारपीट करने गए? ये हमारे भाई लोग मारे हैं जो हमसे बड़े भाई हैं, 3 जन मिल के मारे हैं सब। उनका नाम क्या है? राम विलास कुशवाहा, राम प्रताप कुशवाहा और राम जी कुशवाहा। ये आपके सगे भाई हैं? जी साहब। आज की स्थिति में एक बेहोशी हालत में दिख रही है जी, क्या वजह मानते हैं? क्या आपसे लड़ाई होगी, इस महिला से क्या लड़ाई हो सकती है? अब यही परिस्थिति है शासन प्रशासन से कि हमें गुहार मचा रहे हैं कि हमें विवाद तो आपके साथ हो सकता है, महिला क्या लाठी चलाने जाएगी? नहीं नहीं सर, महिला तो घर पे अपना काम धंधा कर रही थी, अचानक ये लोग सुबह सुबह घर पे पहुँचे और मार के उन लोगों ने निकल गए, आप कुल्हाड़ी और टांगे से ये लोग मारे हैं। आपके साथ विवाद नहीं हुआ? मेरे साथ तो कई बार मुझे मारने के लिए जो घेराव किए। आपने कहाँ कहाँ शिकायत किया? जी सर मैं थाने में 2-3 बार किया हूँ, और इसके बाद एसपी साहब को भी आवेदन दिया हूँ। यहाँ कब से भर्ती किए? ये हो गया 2 तारीख से भर्ती किए हैं। अच्छे दिन हो गए। और ये स्थिति अभी तक बेहोशी हालत में है, ना उठ पा रहे हैं ना बैठ पा रहे हैं। मैं शासन और प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि मैं ये
जो न्याय है इनको मिलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे लाडली बहनों के लिए जो होगा वो करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इस बहन को न्याय दिलाएं। और यही शासन से मेरी गुहार बचाने की वो दरख्वास्त है। और ये मेरे दरख्वास्त क्या लगता है पुलिस आपके साथ न्याय नहीं दिला रही है? अभी तक तो पुलिस हमारे साथ में कुछ ऐसा न्याय की प्रक्रिया की ही नहीं, तो हम क्या बताएं कि हमारे साथ न्याय कर रही है कि नहीं कर रही है। और अगर हमारे साथ न्याय होता तो ये आती ही नहीं।